हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है ना एक्टिवा आ चुकी है दुकान पे। आज पापा एक्टिवा लेके आए, तो पापा तो कभी की आ चुके थे, मैं टिफिन भी कर लिया। पापा जो टिफिन लेके आए थे, थोड़ा बहुत जो फ्राइड राइस लेके आए थे तो खा लिया। तो फिलहाल आज पापा ने एक्टिवा लेके आए थे और कार को अभी होंडा लेके आए, नंबर पर ऑन नहीं होती, तो दो बार ट्राई किया, ऑन नहीं हुआ। तो फिर पापा होंडा लेके है ना, इधर कार बीच रास्ते में छोड़ दिए, तो उधर गए, तो वापस किया। कार चालू होती नहीं होती, बैटरी प्रॉब्लम नहीं था गाइस, वायर में कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि जस्ट इंडिकेशन नहीं आ रहा और ऑन भी नहीं हो रहा। धक्का मार के भी दिया, फिर भी ऑन नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो फिलहाल मैकेनिक के पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि आधा घंटा टाइम लगेगा, पूजा चल रहा है बोल के, सुबह सुबह रहता है ना टाइम, तो उनका टाइम लगेगा बोल के बोल रहे थे। तो फिलहाल जब तक है ना, पापा है ना अभी एक्टिवा को सर्विसिंग देने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल पापा बाजू वाले के पास गए, तो पापा उनको पूछेंगे उनका किधर है बोल के, क्योंकि हमारे देखो तो पर्सनल है नहीं। जैसे पहले सभी की जो भी हमारा एक्टिवा सर्विसिंग देते थे ना, अपने हीरो शोरूम में दे देते, गुट्टा में ही, अपने घर के एक 2 किलोमीटर आजू बाजू ही है, तो उधर ही देते थे सर्विसिंग। अभी इस बार जो बाहर दे रहे, तो ये बाजू वाले भैया जिधर अपनी हीरो स्प्लेंडर सर्विसिंग पे देते ना, तो उधर देने का प्लान है। तो फिलहाल पापा जाएंगे गाड़ी को सर्विसिंग देने के लिए, और फिलहाल दुकान में बैठे हुए कस्टमर्स आ रहे थोड़े बहुत। आज कार बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई, कल रात में इतना थक गया था ना गाइस, इसलिए मैं कल रात में जल्दी सो गया। फिलहाल तो अपना पिछला वॉच जो था उसको एडिटिंग कंप्लीट कर दिया और उसको अपलोडिंग भी कर दिया मैंने। तो फिलहाल देखते हैं पापा अभी एक्टिवा लेके जाएंगे, तो देखते हैं कब होके आती है सर। उसमें बैटरी तो 100% गई इसकी, जो बैटरी तो चेंज कराना ही है, 90% मेरे ख्याल से बैटरी चेंज होगी होगी, और क्या प्रॉब्लम पता नहीं। ब्रेक चेंज करने में और सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है ना, इसमें वो भी प्रॉब्लम है छोटा सा, तो उसको भी रिपेयरिंग कराना पड़ेगा। तो पापा जाएंगे और देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, पता चलेगा बाद में। फिलहाल पापा अभी ये देखिए सामने के दुकान में गए थे। तो गाइस, फिलहाल आपको पीछे दिख रहा होगा जय, जो लास्ट में जो गाड़ी थी ना, वो पापा ही जा रहे थे। तो फिलहाल पापा तो जा चुके हैं कार की सर्विसिंग देने के लिए, क्योंकि अभी है ना पापा एक्टिवा को सर्विसिंग देके आए, और बाजू वाले ने अपनी गाड़ी है ना चेन टाइट करने के लिए दिया था। तो पापा आते वक्त चलते चलते आ गए, तो अभी मेरे हीरो होंडा वापस लेके गए पापा, और अभी जा रहे मैकेनिक के साथ, लेकिन जल्दी रिपेयरिंग हो जाए। मेरे ख्याल से 101% वायरिंग ही कुछ प्रॉब्लम था, कभी कभी लाइट आ रहा था, कभी कभी लाइट नहीं आ रहा था, इसका मतलब यही था कि वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम था। वायर चेंज कर दे, काम हो जाएगा मेरे ख्याल से कार को, लेकिन एक्टिवा का टाइम लगेगा, क्योंकि एक्टिवा को रियर एंड बैक दोनों का क्या ब्रेक्स चेंज कराना था, और बैटरी प्रॉब्लम है, बैटरी का भी देखना, वायरिंग भी चेक करना, बहुत ही प्रॉब्लम है, और ये फ्यूल टैंक का बटन भी कभी कभी काम नहीं कर रहा, वो भी करना है, और सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है वो भी काम नहीं कर रहा, वो भी करना है। आज एक्टिवा को पूरा सर्विसिंग ही देना है, तो हमारे ख्याल से एक्टिवा शाम तक आएगी, अभी नहीं आएगी 100%। तो फिलहाल देखते हैं कब तक आएगी एक्टिवा, तब तक दुकान पे ही बैठते हैं। और कल रात को दीदी के कपड़े में इधर ही भूल गया, क्या कर सकते, लेकिन बच गया, चूहों ने नहीं काटा, नहीं तो हर बार है ना कपड़े रहने दो या फिर एप्पल कुछ भी हम भूल जाते ना, उसको चूहा काट लेते हैं। तो गाइस, फाइनली अभी हमारी कार रिपेयरिंग हो चुकी है, उसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ था नहीं, बस बैटरी प्रॉब्लम ही था। तो अंदर क्या, बैटरी के अंदर जो डिस्टिल वाटर आता है एक्चुअली वो लो हो चुका था, इसलिए गाड़ी ऑन नहीं हो रही थी, बार बार प्लस माइनस बोलते हो, थोड़ा कम ज़्यादा बोलते हो, लाइट इंडिकेटर कर रहा था बार बार, कम ज़्यादा ऐसा लाइट हिलते रह रहा था। हमने सोचा वायर प्रॉब्लम होगा, बाकी वायर प्रॉब्लम था ही नहीं, मैकेनिक ने सीधा बोल दिया अंदर पानी नहीं है, तो उधर अंदर पानी डाल के लेके आ जा रहे हैं। तो गाइस, फाइनली अपनी कार तो रिपेयरिंग हो चुकी है, अभी एक्टिवा की सर्विसिंग होगी। पापा आए थे अभी, तो मैं पापा को पूछा क्या हुआ, तो पापा अभी बोल के गया, वापस गए पापा पैसे लेके, ताकि उनको दे देंगे जो भी उनका चार्ज रहेगा वो। तो देखते हैं अभी कार आ जाएगी, अपने पापा लेके आ जाएंगे। तो फाइनली कार तो रिपेयरिंग हो चुकी है, रात में मालूम रहता था तो अपने दुकान में ही मिलता है डिस्टिल वाटर, वही डाल देते थे, लेकिन हमारे को इतना आइडिया है नहीं कि यार वो ख़त्म हुआ बोल के, क्योंकि हमने क्या है प्लस और माइनस को मिला के एक बार स्टार्ट करने की कोशिश की, प्लस और माइनस को मिला रहे तो शॉक तो आ रहा था, तो समझा बैटरी बरोबर है, वायर ही प्रॉब्लम होगा, हमने ये सोचे, बाकी ये प्रॉब्लम नहीं था, बैटरी ही प्रॉब्लम था, उसके अंदर पानी नहीं था, कोई नहीं, पानी डाल दिया, अभी आ जाएगी अपनी गाड़ी। तो गाड़ी की सर्विसिंग बोलते अपनी कार की सर्विसिंग हो चुकी है, तो अभी अपनी बाइक की सर्विसिंग होगी, देखते हैं कब आएगी अपनी बाइक बोलते अपनी एक्टिवा, वेट करते हैं एक्टिवा का भी। फिर भी समवॉट वार्निंग दिया कि अगर बैटरी है ना बार बार ऐसे कर रही है तो बैटरी को चेंज कर दो। फिलहाल तो बैटरी के अंदर भी पानी डाला, अभी पापा जाएंगे न्यू बैटरी खरीद के लेके आ जाएंगे, कभी भी प्रॉब्लम आ गई ना बैटरी सीधा चेंज कर लेंगे हम, कि जस्ट बोल्ट खोल के बोल्ट डालना ही रहता है, तो जस्ट हम भी कर सकते हैं, इतना कुछ बड़ा इशू है नहीं वो। तो फिलहाल तो अपनी कार वापस आ चुकी है, पापा लेके आ चुकी है, थोड़ी देर कार ऑन ही है गाइस, क्योंकि बैटरी रिचार्ज हो जाएगी, क्योंकि कल रात को ज़्यादा
उसको प्ले स्टोर मैंने इसको मिला के सपोर्ट कर दिया था ना, इसलिए बैटरी लो हो चुकी है। तो थोड़ा ऑन ही रखे पापा ताकि बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। तो फिलहाल उस गाड़ी को ऑन ही रख देते हैं। पापा फिलहाल बाजू में गए बैटरी खरीदने के लिए, तो पापा जैसे आते आपको मैं मिलवाता हूँ पापा। तो गाइस वापस आज जा रहे हैं बैंक में, कहीं मम्मी का जो अकाउंट था वो बंद कराना था, क्लोज कराना था। तो चलते हैं पहले बैंक में और देखते हैं आज का क्या हाल है। आज भी मैनेजर नहीं रहेगा तो अभी हम वापस खाली हाथ ही आना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं, मम्मी तो आ चुकी है फिलहाल दुकान, मेरी की मम्मी और पापा। तो अभी चलते हैं पहले बैंक में। चलो मम्मी फोन लेके आ, गाड़ी की चाबी मेरे पास है, तो चलते हैं पहले। धूप तो बहुत ही है यार, बहुत ही ये टाइम में धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल तो मैं बाहर आ गया मम्मी को थोड़ी देर अंदर बैठने के लिए, उन्होंने बोला वेटिंग कर रहा हूँ। तो मम्मी को फिलहाल उधर बैठा दिया, मम्मी उधर बुला लेगी तो मुझे बुला लेगी, इसलिए मैं बाहर आ गया। अंदर तो थोड़ा बहुत शांति है, इसलिए मैं शांति को व्रत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बाहर आ गया। उधर बाहर बहुत धूप है, वापस अंदर ही चलते हैं यार, एक ही मतलब। गाइस फाइनली आज जाके मम्मी के अकाउंट क्लोज हो चुका है। गाइस कब गए थे हम, 2:40 को गए थे, अभी हो रहा है एग्जैक्टली 4:00। गाइस बहुत ही टाइम लग गया, 1.5 आवर लग गया मैनेजर के चक्कर में। वही बोल रहा है ये भी जो पेपर रहता है ना, लेटर इधर से उधर, उधर से उधर से घुमा घुमा दे, बहुत टाइम कर दिया, 1.5 आवर लग गया, नहीं तो एग्जैक्टली ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बहुत टाइम लग गया। कोई बात नहीं, फाइनल जाके अकाउंट क्लोज हो गया, जो भी कैश बचे थे ना अंदर दे दिए पापा के, दे दिए। तो फिलहाल अभी लंच करता हूँ कि बहुत ही भूख लगी है मुझे। तो सुबह बहुत थोड़े बहुत चावल खाया था टिफिन में और बाकी कुछ भी नहीं खाया था, तो फिलहाल अभी कर लेता हूँ लंच। तो गाइस अभी तो मैंने ना लंच तो अभी कर लिया, 4:00 जाके लंच किया। तो फिलहाल मम्मी को इन्हें घर पे छोड़ दिया, क्योंकि घर पर मम्मी का इधर तो कुछ काम किए नहीं, तो बस अपने झंडा लेके जाएंगे कि अभी तक एक्टिव आए नहीं है। एक बाजू वाला अंकल की गाड़ी तो आ गई थी, बस बाजू वाला अंकल को चेन टाइट कराना था, तो उनकी गाड़ी का तो हो चुका है, पता नहीं भी हमारी एक्टिवा कब आएगी, लेकिन शाम तक तो आ जाएगी, बोलते रात तक तो आ जाएगी, 6-7 बजे का टाइमिंग दिया हमें, लेकिन पता नहीं तब तक भी आएगी कि नहीं, टाइमिंग तो तब का दिया है। तो सारे ब्रेक तो बटन्स और क्लचेस भी सब चेंज हो रहे, क्लचेस क्या पिछला ब्रेक चेंज हो रहे। तो फिलहाल चलते हैं घर पे मम्मी के साथ। तो गाइस फिलहाल अभी घर पे पहुंच चुके हैं, तो फिलहाल दीदी मेरे लिए बना रही है चाय और मम्मी फिलहाल आ चुके हैं, तो इधर ना घर पे चाय पी के जाएंगे दुकान वापस। तो वेट कर लेते हैं, पंखा भी स्टार्ट हो गया, चलो थोड़ा और स्पीड कर लेते, थोड़ा स्पीड अभी बैठेंगे। तो जैसे चाय बनती है फिर चलते हैं दुकान। गाइस कस्टमर से थोड़े बहुत, तो बस कस्टमर को संभालते संभालते पूरा टाइम कब गया पता ही नहीं चला। और बस एक अंकल आए थे जिनका पापा ऑर्डर लिखा रहे थे, मैं भी उनसे बातें करते करते टाइम मिल गया। तो फिलहाल अभी 8:30 हो रहा है, तो मोर 1 आवर टू गो हाउस। तो देखते फिलहाल अभी क्या काम है, वो काम कर लेते थोड़ा मोटा छोटा मोटा। गाइस रोड पे थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं दुकान पर ब्लॉग बना तो थोड़ा बहुत शाउट रहता है। तो फिलहाल तो चलते हैं काउंटर के पास और देखते कुछ काम है तो कर लेते, जो फ़ोन में तो चार्जिंग है नहीं तो उस गेम से खेल नहीं सकते। पापा बैठे काउंटर में, हम चलेंगे घर पे थोड़ी। अभी फिलहाल घर पे पहुंच चुके गाइस, तो आज भी कार ने धोखा दे दिया, आज भी कार शाम को होनी नहीं हो, पता नहीं कार को शाम शाम को क्या फीवर आ जाता है, जस्ट लाइक पापा ने ऐसे ही बोल दिया कि क्या उसको फीवर आ जाता है, रात रात को घर पे आने के लिए पता नहीं चलता। आज भी कार ने धोखा दे दिया, अब सुबह जाने के लिए पोपट हो गया मम्मी पापा का। एक्चुअली कल सुबह मम्मी पापा को 5 बजे इधर से निकलना था, क्योंकि कोई फंक्शन में जाना था 6 बजे तक, इधर से बहुत ही दूर है, 100 किलोमीटर्स के आसपास कुछ है शायद, मोइनाबाद कुछ है शायद, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है किलोमीटर्स कितना है, बाकी मोइनाबाद है कन्फर्म प्लेस का। तो फिलहाल तो पापा मम्मी को सुबह जाना पड़ेगा, तो मुझे दुकान पे अकेले रहना पड़ेगा सुबह, तो सुबह थोड़ा जल्दी चल जाएंगे ताकि कस्टमर्स का रश है तो भी आराम से संभाल सकें। फिलहाल तो अभी लंच डिनर करेंगे फिर सो जाएंगे, क्यों अपनी एडिटिंग तो सुबह होता है ज़्यादातर। फिलहाल देखते हैं मम्मी पापा का क्या प्लान बनता है, जैसे उनका प्लान जो भी बन जाता है तो चलते हैं। तो फिलहाल आज आए से हमारे घर पे एक रिश्तेदार, दीदी के रिश्तेदार हैं, तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस अभी जाके सबका फाइनली डिनर हो चुका है, मैं मम्मी और पापा ही डिनर कर रहे थे, बाकी जो रिश्तेदार आए थे वो और दीदी का तो हो चुका था। तो फिलहाल अंदर सब लोग सो गए, आज मैं तो बाहर ही सोऊंगा क्योंकि आज तक अपना फैन लग चुका है, एकदम रेडी हो चुका है फैन। तो फिलहाल तभी सो जाते गाइस, क्योंकि मम्मी पापा को जल्दी जाने का है और मुझे भी दुकान तो जाना ही पड़ेगा। तो मम्मी पापा के तो अभी वापस एक बार उनको वापस कॉल किया, तो क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जाना है तो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उनको वापस कॉल किया, कार तो खराब हो चुकी है ना, तो भी देखना पड़ेगा, कल प्लान फेल भी हो सकता है।
ना पता ना उनका प्लान कंफर्म तो है नहीं जाना है बल्कि, तो वो तो सुबह पता चलेगा अब सुबह क्या होगा उसके ऊपर। तो फिलहाल तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि मुझे आ रही है बहुत ही नींद। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।